तो ये भैया छोले ही होते हैं क्या? और इन्होंने हमारा कैमरा पकड़ा था अभी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं टीवी पे आऊंगा क्या? तो एक चला मुझे भी बोल दो भैया, मैं कहीं लगा के खड़ा हो जाऊंगा। सो हे गाइस, हम बैक अगेन फॉर धूम मचाने। सो आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख सकते हो मौसम काफी ज्यादा सुहावना है और सर्दी है जो बढ़ चुकी है, और इसी मौसम में खाने का मजा है गर्मा गर्म पकवान। सूरज का तो नामो निशान दिख नहीं रहा, कहीं बादलों के बीच छुप गया है, और लोग छतों पे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। तो भी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और आज है बुधवार तो आपको गणेश जी के दर्शन भी करवाएंगे। आज दोस्तों भी गणेश जी के जाकर आ चुके हैं, और अभी लग गई है भूख, तो अभी हम आए हैं छोले कुलचे खाने, और मिलाते हैं आज आपको भैया से भी, काफ़ी टेस्टी होंगे, खाने के बाद पता लगेगा कितने टेस्टी है। तो अभी खाते हैं, पहले आपको मिलाते हैं भैया से, उनका नाम हम पूछते हैं, और ये भी पूछेंगे कहाँ पर उनकी शॉप है और कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से लगा रहे हैं। तो आइए। हाँ जी भैया नमस्ते, आप भी खा रहे हो आज तो खुद के, आपको कैसा लगता है टेस्ट आपका? बढ़िया। अच्छा, ये आपकी दुकान कितने सालों से लगा रहे हो आप? 15-16 साल होगी भाई। अच्छा, यहीं पे लगा रहे हो? तो आप देख सकते हो दशहरा कोठी का रोड है, और यहाँ पे ये कई सालों से लगा रहे हैं। 15-16 साल से लगा रहे हो? हाँ। तो 15-16 साल से लगा रहे, तो मतलब शायद पहले मैं छोटा था और अब मैं बड़ा हो गया। हालांकि देखता रहता हूँ दुकान में, पर ब्लॉग आज बना रहा हूँ। तो छोले कुलचे के साथ और क्या क्या देते हो आप? आलू का पराठा, छोले कुलचे हैं बस। छोले और पराठे के साथ क्या देते हो? आलू छोले की सब्जी, सलाद। अच्छा, चटनी। और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, हर चीज़ को सफाई से देते हैं। कितने की भैया एक प्लेट? 40 रुपये की। 40 रुपये की। उसमें क्या क्या देते हो? 3 कुलचे, छोले, मिर्ची सलाद। हाँ तो भैया एक प्लेट मुझे भी लगा दो भैया। इनके मसाले वसाले मसाले प्याज। ओए होए होए होए, क्या खुशबू आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दिल के अंदर तक जा रही है, और ये जो खुशबू की जो आहुति है सीधी रूह को लग रही है। और भैया के तरीका देखो आप बनाने का, इसके ऊपर हरा धनिया जो डाला है ना, देखते ही मतलब बस मुंह में पानी आ गया। हाँ जी, तो ये आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म छोले कुलचे की प्लेट। ओ सॉरी, इसमें कुलचा ही भी भैया ने दे दिए हैं छोले। तो ये भैया छोले ही होते हैं क्या? तो भैया ने इन्होंने डाल दिया इसके ऊपर हरा धनिया। इसका इसका जो कलर और इसकी जो सुंदरता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हरिया धनिया डालते ही। तो अब हम इसमें ले रहे हैं एक बाइट। वो मुँह में पानी आ गया तो जबान लड़खड़ा गई। तो ये मैंने ले लिया, इसके अंदर छोले अच्छे से लगा लिए। खा के दिखाता हूँ आपको कैसा इसका टेस्ट है। मतलब नींबू डाला उसका भी टेस्ट आ रहा है, प्याज का टेस्ट आ रहा है, और काफ़ी अच्छे मसाले इन्होंने डाले हैं भैया ने छोलों में। तो इसकी भी एक चम्मच खा के दिखाता हूँ आपको, मज़ा आ गया। तो इन भैया का बिरयानी का थैला भी है, मतलब वेज बिरयानी का, जो रोड पर लगाते, जो आपने मेरे कुछ पिछले वीडियो में देखा होगा, तो वो भी इन्हीं का ही है। तो इसे कहते हैं तरक्की, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो एक चला मुझे भी बोल दो भैया, मैं भी कहीं लगा के खड़ा हो जाऊंगा। इसको मतलब यहीं खाने का आता है मज़ा। हाँ, घर ले जाते हैं तो वो टेस्ट आधा हो जाता है टेस्ट इसका। हाँ, एक बार घर पे गर्म करके भी खाएं, नहीं फिर मज़ा नहीं। हाँ, और ये तीखी तीखी मिर्ची।
आप भी एक बार आना गोविंद नगर और ट्राई करना भैया के छोले कुलचे। श्याम नाश्ता सेंटर, जय श्री श्याम। ठीक है जी भैया, चलते हैं। काफ़ी अच्छा था टेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। चलिए भैया। तो दोस्तों, आपको गणेश जी के दर्शन भी करवा दिए, छोले कुलचे भी खिला दिए, और अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना है, तो सोचा इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील शूट कर लेते हैं। तो कैमरा सेटअप रेडी है, और जिस जिस म्यूज़िक पर या सॉन्ग पर रील बनानी है वो भी फाइल्स सारी सेलेक्ट कर ली है। तो देरी किस बात की, करते हैं रील शूट और फिर दिखाएंगे आपको। जिस पे कॉपीराइट आने का होगा वो आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, कुछ डायलॉग वाले होंगे रील वो आपको यहाँ दिखा दूंगा, बाकी आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर रहे हो, 5000 फॉलोअर्स हो चुके होंगे शायद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो बाकी तो बस, बाकी तो प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियोज़ को, और अभी करते हैं रील शूट। हाँ, तो इंस्टा रील भी शूट कर ली है और काफ़ी मतलब मज़ा आया, और थोड़ी सी थकान भी हुई। दिक्कत ये कि कुछ डायलॉग होते हैं जो अपन को याद होते हैं लेकिन फिर भी अपन बोल नहीं पाते, पता नहीं एक पॉइंट पे आके अटक जाते हैं, बट दिमाग में बैठ जाती है करना है तो करना है, भले 50 रिटेक लगे, हालांकि 50 रिटेक तो नहीं हुए अभी। सो इंस्टाग्राम पर आप देखना सारी रील, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। मैं दिखना चाहिए, दिख रहा हूँ ना क्लियर, ब्लैक थोड़ी इनका सीधा सा पकड़ा, बस साफ दिख रहा हूँ ना मैं। हाँ टेढ़ा मत करो, बिल्कुल यूं ही रखो, हमारे लिए रखो मत, हलाना डोलाना मत, बिल्कुल नहीं। It's a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of peak rock, but for that Benz I get CL love, so I switch my girls around like 3L dub, I'm calling.